क्लास सिक्स्थ. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट. ओके, इन दिस चैप्टर नंबर 7 वी आर गोइंग टू स्टार्ट. व्हाट इज द चैप्टर? डिटर्मिनर्स. व्हाट आर द डिटर्मिनर्स? अबाउट डिटर्मिनर्स वील रीड एंड इन हाउ मेनी टाइप्स दे आर बीन क्लासिफाइड. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स आर देयर? ओके, अबाउट दिस टुडे वील रीड. First, here definition of determiners are given. Determiners are word placed before noun to modify them or add something to their meaning. मतलब इनको कहाँ पर रखा जाता है, कब इनको add किया जाता है? Before noun, जो भी noun होता है उससे पहले इनको add किया जाता है, उसको मतलब modify करने, उसको और अच्छा, उसको meaning निकालने के लिए. और add something to their meaning, और उसको उसके मीनिंग के लिए उसके अंदर ऐड इसलिए किया जाता है ताकि उसका कुछ अच्छा मतलब मीनिंग निकले. ठीक है, ऑल डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव्स बट ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटर्मिनर्स. सारे डिटर्मिनर्स जो है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, बट जो एडजेक्टिव्स हैं वो सारे डिटर्मिनर्स नहीं होते. ओके, आफ्टर दैट हियर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन. वील रीड अ बुक. वैसे तो यहाँ पे अ हम लोगों ने यूज़ किया है और ये बी, आपको पता है, आप लोगों ने आर्टिकल्स पढ़ रखे होंगे प्रीवियसली. आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं? ए, एन और द. ए जो होता है वो किससे पहले यूज़ होता है? कॉन्सोनेंट से पहले. और एन जो होता है वो वोवल से पहले यूज़ होता है. तो यहाँ पे अ बुक, तो यहाँ पे बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले हमने कौन सा आर्टिकल लगाया है? अ. जैसे मैनी टीचर्स, तो यहाँ टीचर्स हैं, तो इसके यहाँ टीचर्स के हम लोग कैसे काउंट कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे उसका मीनिंग निकालने के लिए, तो यहाँ पे मैनी टीचर्स. दोज बुक्स, ईच स्टूडेंट. जैसे यहाँ एन इंक पॉट. आई जो है यहाँ पे, जैसे देख सकते हो आप, आई जो है वो क्या है? वोवल है. वोवल कितने तरह के होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू. ओके, फाइव टाइप्स ऑफ वोवल्स आर देयर. सेम हेयर, आई इज़ अ वोवल. एंड वॉट विच आर्टिकल वी हैव यूज? एन इंक पॉट, द हिंदुस्तान टाइम्स, दैट टॉय, दीज चिल्ड्रंस. दे आर द नॉर्मल वर्ड्स विच आर मेकिंग सम सेंस बिफोर वी आर एडिंग दैट डिटर्मिनर्स. योर बैग भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है. दिस क्लास, हिज हैंकरचीफ. तो ऐसे करके काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं. आफ्टर दैट डिटर्मिनर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. इनको इन ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर रखा है. और आपको पता है डिटर्मिनर्स कितने तरह के होते हैं? देर आर फोर टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. फर्स्ट इज आर्टिकल, सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव, आफ्टर दैट पॉजिटिव एंड क्वान्टिफायर्स. ये चार तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं. आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स मैंने अभी आपको जस्ट समझाया था, ए एंड द, ये आर्टिकल्स होते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, दिस, दैट, दीज, दोज, जिसके अंदर ये सारा यूज़ होता है. पॉजिटिव, मे, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, एक्सेट्रा एंड सो ऑन. ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो. क्वान्टिफायर्स, सम, एनी, मैनी, मच, लिटिल, फ्यू, सेवरल एंड सो ऑन. आफ्टर दैट हेयर वन इज, मतलब इनको हमने क्लासीफाई, ये तो जो है फोर टाइप्स मैंने आपको बताया, ये फोर टाइप्स है. इसकी क्लासिफिकेशन भी इनको कर रखी है, जो क्लासीफाई इनको कर रखा है तो वो फाइव टाइप्स में क्लासीफाई कर रखा है. फर्स्ट आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, क्वान्टिफायर्स एंड इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव जो होता है, आप लोगों ने सेंटेंसेस पढ़ा होगा, उसके अंदर फाइव तरह के सेंटेंसेज होते हैं. डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्प्रिटेटिव, एक्सक्लेमेटरी. तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर हमेशा आप जो भी किसी से भी कुछ भी अगर सेंटेंस बनाते हो तो वो हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में होता है, उसमें हमेशा आप क्वेश्चन पुट अप करते हो. तो सेम यहाँ पे इंट्रोगेटिव्स का क्या मतलब है? व्हाट, विच, हुज. जैसे व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर होम, सॉरी, विच इज़ योर क्लास, ऐसे कर सकते हो. हुज बुक इज़ देयर, ऐसे करके हम लोग इसमें क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स इन योर अर्लियर क्लास. आर्टिकल्स आप लोगों ने काफ़ी पहले पढ़ रखा. आर्टिकल्स के अंदर ए का यूज़ कहाँ पे होता है? कॉन्सोनेंट से पहले. और एन का यूज़ होता है वोवल से पहले. और द का जो स्पेसिफिक यूज़ होता है, या तो आप उसको एक सेंटेंस में पर्टिकुलर वन टाइम, या एक से ज़्यादा टाइम आप उसका यूज़ कर सकते हो. नाउ वील रीड वॉट इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेंट्स. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेंट, दिस एंड दैट आर यूज बिफोर सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन. मतलब इसका एक यूज़ होता है, वो भी सिंगुलर या फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले.
वाइल दीज आर दीज एंड दोज आर यूज बिफोर प्लूरल, और वहीं पे दीज और दोज जो होता है वो प्लूरल से पहले यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है किसका यूज, दिस और दैट का, और यहाँ पे दीज और दोज का होता है बिफोर प्लूरल नाउन। ओके, सम एग्जाम्पल आर गिवन, दिस एंड दीज रेफर्स टू थिंग्स विच आर नियर और टाइम और स्पेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, आई कैन क्लाइंब दिस ट्री बट आई कैन नॉट क्लाइंब दैट वन, दिस और दैट का यूज हो गया। नेक्स्ट, आई विल बाय दिस बुक बट वुड लाइक टू हैव अ लुक एट दोज बुक्स ऑल्सो। अभी इसके अंदर दोज का यूज हो गया, आप देखेंगे दोज का यूज हो गया, दोज यूज हुआ है ना। सेम ऐसे ही इसके अंदर अलग अलग तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स आर आंसर्स टू द क्वेश्चन, जो उसके अंदर आंसर होता है एक तरह से क्वेश्चन फॉर्म में जो भी होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल, माई फादर टुक मी टू दिल्ली, ये एक तरह से आपने आंसर दिया है किसी को। नेक्स्ट, आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फंक्शन, ये आप एक तरह से आंसर दे रहे हो। सेम यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, इज दिस योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है। She has lost her dictionary. After that, they took their lunch at 1 PM. मतलब इसके अंदर आप जो भी आंसर दे रहे हो ना, वो या तो क्वेश्चन फॉर्म में बहुत कम देते हो, बट जो ज़्यादातर जो आप उसका जो पॉजिटिव डिटर्मिनेंट्स है उसको आप हमेशा आंसर फॉर्म में ही उसको आप रिप्लाई करते हो। ओके, आफ्टर दैट, क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स, अ क्वांटिफायर इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द नंबर और अमाउंट ऑफ पर्सन और थिंग। इसके अंदर कोई भी चीज़ का या तो मतलब उसका नंबर, मतलब आप उसको काउंट कर सकते हो एक तरह से, मतलब काफ़ी सारा नंबर्स के अंदर आप इसको बता सकते हो, मच, मैनी, लॉट्स, ऐसे करके आप इसके अंदर आंसर कर सकते हो। हेयर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, जैसे मैनी पीपल थिंक दैट दे आर नियर नेवर रॉन्ग, बहुत जने सोचते हैं वो कभी रॉन्ग नहीं हो सकते। There isn't much water in the jug, कि इसके अंदर इतना पानी नहीं है। We had a lot of fun on her birthday, कि हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी उसके बर्थडे पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम एंड एनी का भी है, जैसे आपको मैंने पहले ही पढ़ के बताया था, तब उसकी क्लासिफिकेशन जो थी 5 टाइप में उसको क्लासीफाई कर रखा था डिटर्मिनर्स को, उसके अंदर मैंने आपको रीड आउट करके बताया था दिस दैट का यूज, आवर, माई, योर, सम, एनी, मैनी, वॉट, विच, हुज, ये सब इसके अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, सेम, देर आर सम बिस्किट्स इन द टिन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आपने क्या बताया, देर आर सम बिस्किट्स इन द टिन, इसके अंदर थोड़े से बिस्किट है, मतलब कुछ बिस्किट्स है। आफ्टर दैट, ईच और एवरी, ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास ज्वाइन द पार्टी, मतलब सभी स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था। एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ सचिन, सभी को प्राउड है। फिर ईच फ्रेंड ऑफ माइन हेल्प मी, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे को हेल्प करते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड वियर अ नीट एंड क्लीन ड्रेस, सभी को नीट और क्लीन ड्रेस पहन के आना है। ईदर और नीदर, ईदर और नीदर का भी जैसे यूज, आई रिसीव्ड एन इंजरी इन ईदर हैंड, ठीक है, मतलब या तो हैंड में या फिर कहीं और। देयर आर रेजिडेंटल कॉलोनीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, या तो इधर या फिर उधर कहीं पे रेजिडेंटल कॉलोनी है। नीदर आई ऑफ योर इज वीक, मतलब तुम्हारी जो आँख है वो वीक है, मतलब आप कैसे भी उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स और दे रखे हैं, अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। द वर्ड्स व्हाट, विच एंड हुज आर इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स व्हेन यूज जस्ट बिफोर नाउन, और ये भी जो नाउन से पहले यूज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको पढ़ूंगी। विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाट डिश इज योर फेवरेट, हुज पेन इज लॉस्ट, व्हाट कलर इज हिज शर्ट, सेम नाउन से पहले ये सारा कुछ यूज होता है। और जो भी होता है इंट्रोगेटिव जो भी होता है डिटर्मिनर्स, वो हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में ही पूछा जाता है। ओके, सो योर चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड दिस यू हैव टू रीड इट एट योर होम। ओके, देन ओनली यू विल
understand that what I have explained you and what we have read today. Okay? Thank you.